हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम प्रॉपर्टीज ऑफ कटिंग फ्लूइड्स देखने वाले हैं। हमारे कटिंग फ्लूइड्स की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर आइडियल कटिंग फ्लूइड्स की बात करें हम तो सबसे जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो होती है लो विस्कोसिटी। जो हमारा कटिंग फ्लूइड होता है वो बहुत ही, उसकी विस्कोसिटी कम होनी चाहिए, लो विस्कस होना चाहिए। लो विस्कस अगर होगा तो पेनिट्रेट बहुत अच्छे से होगा वो टूल चिप इंटरफेस पे। उसके बाद सेकंड जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो हाई स्पेसिफिक हीट और थर्मल कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक हीट हाई होना चाहिए और हाई थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए। उसके बाद जो साइज है, मॉलिक्यूलर साइज हमारे कटिंग फ्लूइड का, वो स्मॉल होना चाहिए। स्मॉल होने के कारण रैपिड पेनिट्रेशन होता है टूल और चिप के बीच में इंटरफेस पे। सरफेस टेंशन कम होना चाहिए हमारे कटिंग फ्लूइड का। केमिकली स्टेबल होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, इनफ्लेमेबल होना चाहिए, ज्वलनशील नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, ऑर्डरलेस होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। और इस प्रकार का कटिंग फ्लूइड हो कि अगर मान लीजिए जो ऑपरेटर्स हैं उनके कांटेक्ट में अगर वो आ जाता है कटिंग फ्लूइड तो उनको हार्म ना हो, तो हार्मलेस टू ऑपरेटर्स ऐसा कटिंग फ्लूइड होना चाहिए। तो ये सारे डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल कटिंग फ्लूइड हमने देखे। That's all for today's class. Thank you.